भाभी अब आप टेस्ट करके बताना कैसी हाँ, बनी है। बिल्कुल तो गाइस हाँ 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 ये बात भी सही है। मैं आते ही टेस्ट कर ली थी वैसे। बहुत अच्छी बनी है। खुशबू आ रही थी ना मुझे। हाँ तो चलिए तो क्या कहना चाहोगी आप? आप कुछ कहिए। बहुत बढ़िया बनी है, सिंपल और बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत जल्दी भी बनी थी। हाँ क्या कर रहे हो मम्मा? मैं एक बना रही हूँ आज मिक्स वेज की सब्जी। अरे वाह वो तो मेरी फेवरेट है ना। हाँ सबकी फेवरेट है यहाँ पर और बहुत झटपट बनती है। तो गाइस आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, मतलब बताने जा रही हूँ मिक्स वेज और बिल्कुल ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट में जैसी बनती है। बहुत ही क्विक रेसिपी बताऊंगी आपको मैं। अच्छा ये गाजर आपने इसके लिए काट के रखी थी? हाँ तब इतनी कम हो गई, मैं ऑलरेडी इतनी सारी खा चुका हूँ। तो ये हमारी बन रही है मिक्स वेज। तो हमारी जो है सॉटे हो चुकी है ये। तो ये मैं निकाल लेती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये रेसिपी देखनी है तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए कुछ तो सब्जियां हमारी बनी गई हैं, कुछ कट भी गई जो मैं आपको दिखाई दूंगी क्योंकि इंट्रो में थोड़ा सा बाद में शूट कर रही हूँ। तो मम्मी यहाँ पर हमारी मिक्स वेज की सब्जियाँ कट कर रही हैं। ये देखिए यहाँ पर गाजर है और फूल गोभी है और ये बीन्स हैं और ये शिमला मिर्च है। और मम्मी और वो आलू और कट करेंगे जब हमें सब्जी बनानी, तो आलू संग के संग कट कर लेंगे है ना। तो मम्मी यहाँ पर प्याज कट कर रही हैं। प्याज यहाँ पर हमें 2 से 3 कट कर लेनी है। ये मतलब बहुत छोटे साइज की प्याज है तो ये मम्मी 4 ले रही है, मीडियम साइज की आप 2 प्याज ले लीजिएगा। और ये चॉपर में चॉप कर लेंगे अब हम। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल। इसके बाद ये हमारी धुली हुई जो सब्जियां हैं इन्हें हमें एक एक करके सॉटे करना है। तो यहाँ पर मैंने डाली है गोभी और इसे हमें सॉटे करना है। हल्की गल जाए मतलब आधी। ये देखिए हमारी ये अच्छे से फ्राई हो गई है, मतलब सॉटे मैंने कम ऑयल में ही फ्राई किया है इसे। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल लेती हूँ अब थोड़ी सी गाजर। गाजर भी हमें ऐसे ही कर लेनी है, चाहे आप फ्राई कर लीजिए चाहे आप हल्के ऑयल में भी सॉटे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है बीन्स, ये चॉइस आप रखिएगा सब्जी की जो भी आपको खानी है। तो मैंने तो अभी 4-5 ही ली है तो अभी ये मैं कर लेती हूँ इनको फ्राई। और सॉटे करने में लगभग हमारी 60-70% सब्जियाँ गल जाएंगी। शिमला मिर्च भी आ गया, इसे हम बाद में देंगे। हमारी ये बीन्स है अच्छे से कुक हो गई हैं तो इन्हें निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसे सॉटे करिएगा चाहे फ्राई करिएगा। और यहाँ पर हम आलू फ्राई कर लेंगे। आलू पहले से मत कट करिएगा नहीं तो आलू है ना काले पड़ जाएंगे अगर हम पहले से कट कर लेंगे। इन्हें भी हम सॉटे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू हो गए हैं फ्राई, यहाँ पर हो गए आलू फ्राई तो मैं निकाल ले रही हूँ उन्हें। और अब हमें करने हैं यहाँ पर थोड़े से ये शिमला मिर्च बची है इन्हें फ्राई। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पनीर, पनीर फ्राई कर लेंगे 100 ग्राम। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनीर ले लिया है, इसे क्यूब में कट कर लिया है छोटे छोटे। इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मैंने सिर्फ उतने ही तेल में फ्राई किया है, देख लीजिए आप। हल्का सा ही फ्राई करना है। तो थोड़ा सा सॉटे हो गया है ये मैं निकाल लेती हूँ।
और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी मटर। और ये हमारी फ्रोजन मटर है, जो सफल की होती ना वो वाली मटर है, तो इसे हल्का सा मैंने धोकर ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। ये मैं निकाल लेती हूँ मटर भी। तो सब्जियाँ आपको जो खानी है वो यूज कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़े से साबित मसाले, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, हरी इलायची। तो इसे हल्का सा भुनने के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, एक चम्मच के लगभग जीरा, और जीरे को तड़कने देंगे। और उसके बाद लेंगे हम प्याज, ये हम प्याज डालेंगे इसमें। और अच्छे से हम तो यहाँ पर मैंने प्याज गोल्डन ब्राउन कर ली है, और इसी में ना मैं थोड़ा सा अदरक डाल रही हूँ। आज मैं लहसुन का नहीं यूज़ कर रही हूँ, अगर आप लहसुन यूज़ करना चाहें तो लहसुन भी कर सकते हैं। अदरक और यही डाला है मैंने, और प्याज भी अगर आप नहीं यूज़ करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह आप टमाटर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाती है, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से टमाटर। टमाटर यहाँ पर हमने चॉपर में चॉप कर लिए हैं, तो इसे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर मम्मी हमारी मदद कर रही हैं सब चीज़ों में, है ना? बिल्कुल, और क्या, बच्चों के साथ तो हर माँ बाप करते ही था। तो ये चॉप कर करके मम्मी देती जा रही है मुझे सब सामान। तो देखिए अब इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी अदरक के साथ साथ, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये जो कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक चम्मच के लगभग धनिया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी है, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं एक चम्मच डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इसमें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी ये सब्जियाँ। ये देखिए सब्जी हमारी 80% तक हो गई हैं, गली गई हैं। ये देखिए ये बहुत झटपट सी सब्जी है। और अब हमें क्या डालना है इसके अंदर, थोड़ा सा दही, दही से बिल्कुल अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो ये दो चम्मच के लगभग मैं, दो से तीन चम्मच के लगभग मैं दही डालूंगी इसमें। और अभी हम पनीर थोड़ी देर में डालेंगे, बस इसको हम थोड़ा सा तेज आंच में भून लेंगे ताकि ये वाइटनेस जो है ना पनीर दही का वो कम हो जाए। तो देखिए दही डालने के बाद कुछ इस तरीके से कलर आ रहा है सब्जी का, अभी तो ये पकेगी थोड़ा सा। और मम्मी धनिया कट कर दो आप। कर लिया। क्या हो रहा है माँ बेटी दोनों जल लगी है। हाँ अरे मिक्स वेज बना रहे हैं हम, मिक्स वेज बन गई है, अच्छी दिख रही है। अब आप खा के बताना कैसी बनी है ये, देखिए बिल्कुल लग रहा है ना बाजार से आई हुई। देखो तो आज मम्मी ने भी बनवा लिया है मेरे से, मम्मी कह रही थी कि मुझे भी सिखाओ ये वाली, तो मम्मी भी लगातार खड़ी रही है और सीखती भी जा रही है और काम करवाती भी जा रही है साथ में। धनिया कट कर दो, मसाले यहाँ पर हैं, तो सब मिलके काम करा रहे हैं। मम्मी ने सब्जी कट करी थी और अब मम्मी थोड़ा बहुत लगा लिया है काम में, सब में लगा लिया और सबके हाथ मिल के सही बात है। देखिए बन गई है हमारी सब्जी, और अब हम डाल देंगे इस टाइम इसमें पनीर। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है पनीर, और अब हम इसे चला लेते हैं अच्छे से। और थोड़ा सा हम डालेंगे कसूरी मेथी, अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो कसूरी मेथी आप ज़रूर डालिएगा बाद में।
ये देखिए अब हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया और चला लेते हैं थोड़ा सा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब मैं निकाल लेती हूँ एक सर्विंग बाउल में। तो गाइज यहाँ पर मैंने दे दिया है मिक्स वेज की सब्जी और साथ में हमारे क्या बना है, गोभी आलू की सब्जी और रोटी। भाई मैं तो दाल खा रहा हूँ और मेरी जो टेस्टी मिक्स वेज सब्जी बनाई है वो तो बहुत ऑसम है। अच्छा अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। हाँ चलो बढ़िया। रुद्रांश तुम बताओ कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है। और नानू नए स्टाइल की सब्जी लग रही है। चलो मतलब आपको पसंद आई? बढ़िया बढ़िया भाभी। अब आप टेस्ट करके बताना कैसी बनी है। तो गाइस हाँ हाँ ये बात भी सही है। मैं आते ही टेस्ट कर ली थी। बहुत अच्छी बनी है। हाँ तो चलिए आप कुछ कहिए। बहुत बढ़िया बनी है, सिंपल और बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत जल्दी भी बनी थी। हाँ और टेस्ट अच्छी है, शादियों वाली लग रही है। हाँ शादियों वाली ही है। तो गाइस आई होप सो आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो क्या करना है, आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।